हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अशफाक। तो आज मैं फिर से आपको लेकर आया हूँ उर्दू क्लास टेंथ के लिए। ओके, उर्दू क्लास टेंथ में पढ़ेंगे जो उनके लिए है, जो 2021 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए ये है चैप्टर नंबर 3 है। ओके, इससे पहले मैं 2 चैप्टर करा दिया हूँ, ये मेरा 3रा वीडियो है। और दोनों चैप्टर का जो वीडियो है लिंक में दिया हुआ, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, या तो फिर आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या तो फिर आप जाके प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ से पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। ओके, इससे पहले अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो इसी चैनल का जो नाम है ए ऑनलाइन सोल्यूशन, इसको टेलीग्राम ऐप है जो कि आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, उसको डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम पे सर्च कीजिए ए ऑनलाइन सॉल्यूशन और उसमें जुड़ जाइए। उसमें हम आपको डायरेक्ट आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे हेल्प ले सकते हैं। ओके, फिलहाल आइए हम आपको स्टार्ट करते हैं। तो इस लेसन से, जो लेसन आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस लेसन से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अभी से आप अगर धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले मैं आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करा रहा हूँ, पहले ऑब्जेक्टिव पहले एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको सब्जेक्टिव बताऊंगा। फिर ऑब्जेक्टिव पे तो कमांड देना ही है, लेकिन सब्जेक्टिव भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। तो पहले ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए, चूंकि हल्का हल्का है ऑब्जेक्टिव, आपको सब्जेक्टिव भी समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले देखिए, सवाल है यहाँ पे फरार, जो कि फरार लेसन का नाम है, आपकी किताब में निसाब में शामिल है और उसका ये है अफसाना। ओके, तो याद रखें फरार क्या है, अफसाना है, और इसके मुसन्निफ है डॉक्टर मोहसिन, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन या डॉक्टर मोहसिन भी लिखते हैं। तो देखिए पहला सवाल है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर यानी कि फरार मिल जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के लिखा हुआ है फरार। नेक्स्ट देखिए, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नवायत का है, यानी कि ये जो है रूहानी है या तारीखी है या नफ्सियाती है या जासूसी है। तो दो का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नफ्सियाती। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखते जाइए, आपका आंसर आपको मिलते जाएगा। और कोशिश कीजिए ये लेसन बाय लेसन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको आप एक कॉपी ले लीजिए। ओके, 10-20 वाला कॉपी ले लीजिए, उसमें आप नोट करते जाइए लेसन बाय लेसन और आंसर को नोट करते जाइए, तो आई थिंक आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। तो 1908, 1909, 1910, 1911। तो 3 का जो सही आंसर होगा, 1910 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश हुई थी। अभी तो आप पढ़ ही रहे होंगे, आपको उतना पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो मैं बता रहा हूँ इसको बस आप पढ़ते जाइए, एक बार कम से कम कॉपी में इसको नोट कर लेंगे तो मेरे ख्याल से इसको भूलेंगे भी नहीं, आपको याद रहेगा। तो बहुत क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो सब आसान हो जाएगा। ओके, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात कब हुई। अब देखिए 1910 में उनकी पैदाइश हुई थी, तो अब देखिए वफ़ात पूछ रहा, 2001, 2002, 2003, 2004। तो 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 भी होगा, 2002 में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की वफ़ात हुई थी। ओके, नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, मंडल यूनिवर्सिटी, क्या है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। ओके, तो 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, पटना यूनिवर्सिटी। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, प्रोफेसर थे। नेक्स्ट है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे, यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में तो थे ही, लेकिन किस मजमून में, अंग्रेजी पढ़ाते थे या उर्दू के थे या नफ्सियाती थे या तो साइंस के थे। तो 6 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नफ्सियाती। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नफ्सियात के प्रोफेसर थे डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी में। ओके, 7 का सवाल देखें, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोभा नफ्सियात के सदर कब हुए। तो यहाँ पे आपको देखना है 7 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1953 में, 1953 में जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोभा नफ्सियात के सदर हुए थे। 8वां सवाल देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब शुभदोष हुए थे। तो अगर आप अभी धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा तो मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। ओके, जिसको बोलते हैं ना एग्जाम में गेस कर दीजिए सर एग्जाम में कौन सवाल आएगा, तो अभी से अगर आप पढ़ते जाइएगा तो गेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर बाद में कोशिश करूँगा मैं आपको, फिर आप बोलिएगा सर तो मेरा सारा क्वेश्चन तो याद ही है, तो बहुत मज़ा आएगा उस वक्त। ओके, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब शुभदोष हुए थे। तो 8 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1974 में। ओके, 1974 में। 9वां सवाल देखिए, जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमुआ है।
तो अगर आप इसको नोट करेंगे सवाल को, तो एक तो आपको एक पहली बात तो आपको आपकी जो राइटिंग है वो सुधर जाएगी, और जो गलती होती है लिखने में, जैसे शायर लिखने में गलत होगा, शेरी लिखने में गलत होगा, मजमुआ लिखने में गलत होगा, तो ये आपको सुधर जाएगा। तो नौ का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, चूँकि जान ही रहे जख्म के फूल उन्हीं के लिखा हुआ है। तो अभी तो लेसन वाइज पढ़ रहे तो बता दिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे हैं शायर हैं जिनका अलग अलग लिखा हुआ है, मजमुआ है, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो मजमुआ यहाँ पे है वो है जख्म के फूल। दसवां सवाल देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया था? ओके, मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। तो 10 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना यूनिवर्सिटी से ही। तो बड़ी बात है जी, बड़ी बड़ी अच्छी बात है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना यूनिवर्सिटी से ही एमए किए हैं और उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी रह चुके हैं नफ्सियाती नफ्सियात के ओहदे पर। ओके, नेक्स्ट देखिए, महमूद की अहलिया का क्या नाम था? तो यहाँ पे 11 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जुबैदा। ओके, जुबैदा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, इसी लेसन से ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अफसाना, यानी कि जो अफसाना है ना उसी में महमूद नाम का किसी का किरदार होगा, उसी के बारे में बोला जा रहा था वो। ओके, नेक्स्ट है अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या है? तो अफसाना फरार अगर पढ़ेंगे किताब में तो आपको पता चलेगा ये। तो 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजीम था उनका नाम। क्या था? अजीम था। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। 13वां सवाल देखें, इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से है? ओके, तो अजीमाबाद पता है आपको पटना का पुराना नाम था, अजीमाबाद जो भी हम पटना बोलते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे बोल रहा है इनमें से किस अफसाना निगार का ताल्लुक दबिस्तान अजीमाबाद से था? तो 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चूँकि पढ़ रहे सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी का आंसर यहाँ पे सही होगा। तो इस तरह से इसको, आप इसको पढ़ते रहेंगे तो याद भी रहेगा। फरार किसका अफसाना है? देखिए फिर से वही सवाल आ गया। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी, इस लेसन से क्वेश्चन और आएगा कहाँ से? बस इतना ऑब्जेक्टिव मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इस लेसन से नहीं आने वाला। ओके, तो आप इसको मन लगा के पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो वो ये अच्छा सवाल है, तो ये इसको याद रखना, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो पटना है, देखिए पटना में ही हुई, चूँकि पटना में है उनकी। अब देखिए आप इस तरह से याद कर लेंगे, पटना में उनकी पैदाइश हुई थी, पटना यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर रह चुके हैं, वहीं से वो एमए किए हैं। तो इस तरह से लिंक करके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से याद हो जाएगी। तो आई थिंक ये इस वीडियो के लिए, इस क्वेश्चन के लिए 15 क्वेश्चन काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको फिर नहीं आएगा। तो ये मेरा तीसरा वीडियो था, आप दोनों वीडियो जो पहले मैं दो लेसन बताया हूँ, अहमद बताया हूँ शबनम कमाली का, और फिर एक और लेसन बताया हूँ भाभी जान जो कि सोहेल अजीमाबादी का था, उनका भी मैं बता दिया हूँ। तो तीसरा लेसन है, इसी तरह से मैं मुसलसल लेसन बाय लेसन आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा वीडियो ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि यहाँ पर न्यू 2021 के लिए जो है क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो देरी ना करें, चूंकि अभी आपका बहुत लंबा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसलिए धीरे धीरे अभी से ही मेकअप करते जाएंगे तो आगे जाकर आपको बहुत आसानी होगी। ओके, तो चलिए वीडियो कहीं पे लास्ट करता हूँ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। ओके, डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।